चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में दंगे भड़काना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू ना रहे, यहां दंगे हों। 2018 के चुनाव के पहले भी वो ये कहते हुए पाए गए थे। मुख्यमंत्री सवालिया लहजे में कहा कि क्या वो वोट बैंक के लिए काम करते हैं? वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा, अब फिर वो देश और मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है, प्रेम स्नेह और सद्भाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता रहती है। आपने देखा, राम नवमी हो चाहे भगवान श्री राम का जन्मदिन हो या हनुमान जयंती हो, पूरे प्रदेश में न केवल शांति बल्कि सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई गई, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, या दंगे फसाद हो। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे, मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ वरना तो नुकसान हो जाएगा। उससे मैं क्या वीडियो दुनिया ने देखा है? क्या वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं, इस साल अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं देश में प्रदेश में। कहाँ मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं? कहाँ मध्य प्रदेश में अशांति है? वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप अशांति और वैमनस्य की खाई में, कि आप मनी मन ये काम ना करते हैं कि दंगे भड़क जाए? जब कोविड था तब भी ये सबों को देख के प्रसन्न होते थे, लाशों को देख के आनंदित होते थे। ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। हमने देखा रामनवमी पर भी, हनुमान जयंती पर भी, हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने भी कई जगह पुष्पों की वर्षा की है। ये सद्भाव आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे। अमर और चैन यहाँ कायम रहेगा।